Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our very favorite, your favorite actually, daily news analysis which is being presented by me. I am Kushpu. So, in this one, we are going to cover the news news and editorials of the 5th of August. Let's check it out. Ki koun koun se jo contents hai, which we are going to cover, that is the table of contents or you can say the index. Right, so the lessons of Hiroshima must not drift away. This is the editorial which we will be covering. Other one is the inter-services organisations bill jisko ki pass on kar दिया pass kar diya gaya hai to ye ISO yani ki inter-services bill jo hai वो real पूरा actual name क्या है और इसमें क्या-क्या चीजें हैं तो वो हम cover करेंगे. Next है uh, polls को contest करने के लिए जो minimum age है उसको कम करने की बात हो रही है तो we will be uh, checking out this as well. दिस नोवो रोसिस्क जो पोर्ट है इस पोर्ट के बारे में हम जानेंगे कि यहां ये क्यों है न्यूज में इसके बाद जो है Uh, देखिए कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें दैट इज़ द स्पेसिफ़िकली यहाँ पर एक सर्वे रिलीज़ हुई है एंड उस सर्वे में ये चीज़ देखा गया है कि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है उन हाल उसके हालत के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही जल्दी उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे ट्यूशन सेंटर्स बिचेस आई ये कैसे कह रहे हैं कि कर देंगे वो ऑलरेडी हो चुकी है एक्चुअली कुरुवाई क्रॉप ये क्या है एंड क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में जानेंगे मानस टाइगर रिजर्व क्यों है न्यूज़ में ये कहाँ है ये इसका नाम मानस ही टाइगर रिजर्व क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट है दिस कालबेलिया डांस एंड नेशनल फोक एंड ट्राइबल फेस्टिवल ये एक्चुअली आपका फर्स्ट पेज पे ही है दिस वन दिस ब्यूटिफुल डांस एंड डांस तो ये जो है इसके बारे में हम जानेंगे ओके बट बिफोर दैट लिटल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड हुआ कोर्सेस तो प्रारंभ बैच जो है वह हमारा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है यू कैन ज्वाइन दिस या फिर हमारा अगला बैच है फ्रीडम बैच तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि फिफ्टी ऑफ अगस्ट से स्टार्ट होगा फिलोसफी ऑप्शनल सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी दूसरी बैच जो है एस एनहैंसमेंट प्रोग्राम दिस इज गोइंग ऑन एवरी डे न्यू 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 टॉपिक्स आर बी कवर्ड तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम

ये जो नंबर्स हैं आप इन पे कॉल कर सकते हो ठीक है एंड प्लीज़ डू कॉल ड्यूरिंग द ऑफिस आर्स ओनली एंड और यू कैन विजिट दी दीज दिस इज़ दी ऑफिस एड्रेस तो आप हमारा ऑफिस जो है यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग तो यहीं पे ये लिखा हुआ है इस फोटो के नीचे दिस कलबेलिया डांस तो ये जो कैलबेलिया डांस है ये क्या है एंड इसका नाम कल्बेलिया ही क्यों है इसके बारे में जानेंगे द नेशनल फोक एंड ट्राइबल फेस्टिवल जो है ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल के बारे में हम जानेंगे तो कलबेलिया डांस जो है वो नाम पड़ा है इस डांस का बिकॉज ऑफ द ट्राइब दैट इज कलबेलिया जो इस डांस को जो है वो परफॉर्म करते हैं सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल राइट सो कल्बेलिया ट्राइब जो है इनकी और की अगर हम बात करें तो इनको जो स्नैक हैंडलिंग के तौर पर इनको देखा जाता है स्नैक चामस यू कैन से विच नाउ फाइंड एक्सप्रेशन इन देयर द म्यूजिक इन द डांस तो पहले इनको स्नैक से रिलेट करके देखते थे बट अब जो है इनको डांस एंड म्यूजिक के तौर पर जो है इनको देखा जाता है कि ये उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दे दे लेड नोमैडिक लाइफ नोमैडिक लाइफ जो है नोमैडिक मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहे ना तो इनकी लाइफ जो है वैसी है एंड द ट्राइब बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी ठीक है तो एस की कैटेगरी में जो है ये ट्राइब आती है इनका जो अच्छा खासा प्रेजेंस है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तो आपको राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में इनका अच्छा खासा नंबर जो है वहाँ पे देखेंगे इसके अलावा आप इनको अजमेर चित्तौड़गढ़ और जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है इट मीन्स राजस्थान ओके okay. अब ये जो कालबेलिया डांस है इसके बारे में थोड़ा सा देख ले तो ये जो कालबेलिया डांस इज़ इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी हैंडलिंग फ्रॉम दैट ऑफ द राजस्थान हेलिंग फ्रॉम द राजस्थान तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये अपनी जो लाइफ है उसके बारे में इसमें uh, अपनी जो लाइफ की खूबसूरती एक तरीके से दैट दे एक्चुअली शो इन दिस थिंग यूनेस्को ने इसको जो है ये डांस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग दिया हुआ है सो दिस डांस बिकम्स अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इसी को ये जो टैग है 2010 में दी गई थी प्रो इट प्रमोट्स द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड दैट ऑफ द हेरिटेज अवेयरनेस सो फॉर दैट ओनली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो है इसको टैग दिया हुआ है इंटेंजिबल मतलब यू कैन नॉट टच द डांस यू कैन टच द डांस बट नॉट द डांस okay I mean the performer not the dancer the dancer is the wrong uh, word the performer but not the dance the intangible tangible means like that the temples and also you can touch it okay द कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इन टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट वॉज एस्टैबलिश इन टू थाउजेंड एट इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड ये जो है यूनेस्को टू लेट टू द क्रिएशन ऑफ़ द यूनेस्कोज़ लिस्ट ठीक है ये जो कन्वेंशन फ़ॉर सेफ गार्डिंग द इन टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इस कन्वेंशन की वजह से यूनेस्को का ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरीटेज वाला लिस्ट तैयार होना शुरू हुआ जिसमें कि फाइनली इसको भी ऐड किया गया दो हज़ार दस में तो दो हज़ार आठ में बना और दो हज़ार दस में इसको ऐड कर दिया गया सो वेरी सुइन सुन डांस फॉर्म की अगर हम बात करें और इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पर जो अः डांस है तो आप इसमें देख सकते हो इन दर्ट ओनली वी वो स्वर्ल कर रही है राइट right? घूम रहे हैं राइट एंड द ग्रेसफुल मूवमेंट्स फॉर द स्वर्लिंग पर्पज इट इज़ बीग नोन एंड जो ग्रेसफुल तरीके से डांस परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से एंड इन सारी चीज़ों की वजह से इट लुक्स रियली वेरी कैप्टिवेटिव कैप्टिवेटिंग मतलब बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो कितना सुंदर जो ड्रेस है इतना कलरफुल एंड इतनी सारी चीज़ें जो पहने हुए हैं इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिंग लगता है एंड द वे इट इज़ बीग परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ़ द मोस्ट सेंशुअस फोक डांस फॉर्म्स इन द इंडिया इसके अलावा ये इट इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द जॉयस सेलिब्रेशन एंड दैट ऑफ द डीम्ड जो बहुत खुशी का माहौल होता है उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड कल्बेलिया कल्चर का इसको इंटीग्रल पार्ट माना जाता है इस डांस फॉर्म को तो बहुत ही क्लोज हैं इनके यूनिक एस्पेक्ट की इसकी बात करें तो इसको एक्सक्लूसिवली विमेन के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है एंड यहाँ पर जो मेन है वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं बाई द म्यूजिकल बाई प्लेइंग दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फ्लोइंग स्कर्ट्स जो हैं अभी हमने देखा ना तो उस तरीके से स्कर्ट पहने रहते हैं एंड इसके अलावा जो है वो सर्पेंट वाला जो पॉस्चर है मूवमेंट है उस टाइप की मूवमेंट्स दे डू मेन जो है वो खंजारी या फिर जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट्स uh, हैं उसको ये प्ले करते हैं एंड एंड जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता था इन ऑर्डर टू कैप्चर दी स्नेक्स तो एक तरीके से डांस के थ्रू ही ये अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं अपने बारे में बता रहे सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डांसर्स अडोन द ट्रेडिशनल टाटू डिजाइन जो डांसर्स हैं वो टैटू डिजाइन अपने बनाए रहते हैं ज्वेलरी एंड जो गारमेंट्स हैं एंड ये गारमेंट्स में मिरर वर्क सिल्वर थ्रेड का वर्क जो है वो हुआ रहता है जिसकी वजह से इट लुक्स रियली वेरी अट्रैक्टिंग ओके तो ये जो देख रहे छोटे 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 जो हैं ये मिरर्स राइट right? ये मिरर्स मिरर वर्क्स है एंड वाइट थ्रेड का जो काम है दैट इज आल्सो देयर हम्म वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको थ्रेड का वर्क है सो so, उसकी वजह से एक आपसे काफी ज्यादा कैप्टिवेटिव एक्चुअली लगता है बहुत ही सुंदर लगता है कलबेलिया सॉन्ग्स जो है वो कैसी होती हैं कल्बेलिया सॉन्ग्स कन्वेज द माइथोलॉजिकल नॉलेज एंड दैट ऑफ द स्टोरीज तो जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं एंड कहानियाँ हैं एंड जो भी नॉलेज है उसको वो गाने के तौर पे जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं ठीक है एंड इसको जो है हमारा ट्रेडिशन हमेशा से क्या रहा है ओरल रहा है तो नो रिटन टेक्सट ठीक है इसके अलावा कौन से फोक डांसेस जो हैं अदर ट्रेडिशनल फोक डांसेज ऑफ द राजस्थान तो कौन से फोक डांसेस हैं तो दोज आर दी गेर Uh, काची घोड़ी uh, काची घोड़ी देन घूमर एंड दी भवाई ये कुछ एग्जाम्पल है तो घूमर तो आप सभी को पता ही होगा और कुछ पता होना हो तो घूमर के बारे में तो आप सभी को जरूर पता होगा नेक्स्ट है द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये जो नेशनल डांस uh, ट्राइबल फेस्टिवल जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट फेस्टिवल है जिसमें कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ना कि सिर्फ इंडिया से बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड दे कम एंड दे पार्टिसिपेट इन दिस थिंग तो ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो आती हैं पार्टिसिपेट करती हैं ठीक है जो फेस्टिवल जो है इसको पहली बार ये कंडक्ट हुआ था दो में दूसरा जो है दो में देन अभी दो एंड तेईस में आप देख सकते हो यहाँ पर वॉट आर द इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांसेज इन इंडिया इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांसेस जो है वो कैसे सिंग फाई करते कैसे होते उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिंप्लिस होती है उसमें एक्सप्रेशन होते है एक्सप्रेशन होता जॉय इज़ देयर हैप्पीनेस इज़ देयर एंड रेस्पेक्टिव कम्यूनिटीज़ जो हैं वो अपने आप को उसी हिसाब से रिप्रजेंट करती हैं काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट परफॉमेंसेज होती हैं जिसमें कि सीजनल सेलिब्रेशन चाइल्ड बर्थ वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स के हिसाब से जो जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से दे परफॉर्म की कौन से ओकेशन में किस तरीके की डांसिस एंड गाने गाने जो है वो सारी चीज़ें होती हैं नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट स्कूल आर एट रिस्क ऑफ ऑफ रिप्लेस्ड रिप्लेस ट्यूशन सेंटर्स एंड सर्वे में ये चीज जो है वो सामने निकल करके आई है तो बिहार गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में जो है ये पॉइंट किया गया है कि जो अभी जिस तरीके का सिचुएशन है पढ़ाई का सो दिस इज सून गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई चीप एंड डिंजी ट्यूशन सेंटर्स दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द मेनी जॉ ड्रॉपिंग रियालिटीज़ फ्लैग्ड बाई अ सर्वे विच वॉज़ कंडक्टेड ऑन एट्टी वन गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर स्कूल्स में जो है एट्टी वन गवर्नमेंट एंड प्राइमरी स्कूल्स में इसको कंडक्ट किया गया था अररिया एंड कटिहार जो कि नॉर्थ बिहार में है ठीक है तो इकोनॉमिस्ट है जीन ड्रेजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में अपना ये जो सर्वे है वो सामने रखा कि ये जो बहुत छोटे कहते नहीं है कि भैया सस्ते में पढ़ा रहे हैं सस्ते में पढ़ा रहे हैं सस्ते में पढ़ा रहे हैं लेकिन उस चीज़ की वजह से किन किन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट कर रहा है वो भी चीज़ तो देखनी ज़रूरी है तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि चीप प्राइस ज़रूर दे रहे हैं अब ये ट्यूशन सेंटर्स उन छोटे अमाउंट ही दिखा करके वो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को अपनी तरफ जो है वो अटैक क्ट कर रहे हैं सर्वे में यह कहा था वेयर आर द किड्स के अंतर्गत जो है इन्होंने पूरा पूरा का पूरा, आ, सर्वे जो है वो कंडक्ट किया। सर्वे की फाइंडिंग्स मैंने ऑलरेडी बता दी, 81 गवर्नमेंट्स में इन्होंने इस तरीके का जो है वो काम किया है स्टूडेंट डेमोग्राफीज की बात करें तो जो 50% परसेंट स्टूडेंट ये आते हैं ग्रुपस बात है कि स्कूल में पढ़ रहे हैं ठीक है तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स में जो जैसे कि एस की बात कर लीजिए की बात कर लीजिए ओ की बात कर लीजिए या फिर जो मुस्लिम्स हैं तो ये लोग जो है फिफ्टी परसेंट जो है वो इस ए ग्रुप से आते हैं ठीक है ये जो ग्रुप है इनमें से आते हैं ये दिस इज वॉट द इट इज बींग सेड ओवर पुअर अटेंडेंस एंड आर टी नॉर्म्स की अगर राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अटेंडेंस जो है वो रफली बेरली ट्वेंटी परसेंट है बेरली हार्डली ट्वेंटी परसेंट अटेंडेंस देखने को मिली है एंड यहाँ पर जो आरटीई एक्ट है उसके अंतर्गत ये जो नॉर्म्स दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें से कोई भी चीज़ को दे वर नॉट एबल टू फॉलो दे वर नॉट एबल टू डू दैट ठीक है यहाँ पे ये पॉइंट जो कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो भी चीजें वहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी चीजें वहां पर नहीं है तो ये गवर्नमेंट की कमी है द रिपोर्ट हाईलाइट द रैम्प एंड वायोलेशन ऑफ द टी एक्ट

चैलेंजेस ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक्स और जो स्कूल यूनिफॉर्म्स है इसको खरीदने के लिए जो पैसे डायरेक्टली देने की बात हो रही थी पुअर फैमिलीज़ को फोर्सिंग देम टू चूज़ बिटवीन बाइंग एजुकेशनल मटेरियल्स एंड एंड मीटिंग द बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब डायरेक्टली जो उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे तो उन पैसे का उनको ये लग रहा था कि भाई हम पढ़ाएं या फिर जो अपना खाना खाएं तो या फिर अपने घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करें तो वो पढ़ाना लिखाना छोड़ करके वो अपनी घर की जरूरतों को पूरा करने में वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं उसका इस्तेमाल वो उस तरीके से कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से इट इज हार्मिंग द उनके बच्चों की जो पढ़ाई है उनका जो उनका जो फ्यूचर है उन सभी चीज़ों को वो हार्म कर रहा है इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मनी है इट इज़ बिंग डन ऑन द कंडीशनल बेसिस ऑन द ऑन दी स्कूल अटेंडेंस एंड द आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स डज नॉट ऑलवेज रीच द इंटेंडेड रेसिपी इन्स ऑल्सो तो जिसके पास पहुँचना चाहिए उसके पास भी ना पहुँच करके किसी और के पास ज़रूर वो मनी जो है वो पहुँच जा रही है और काफ़ी सारे बच्चों को पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको वो पैसे जो है वो एक्चुअली ज़रूर जरूरत है और नॉट जरूरत बट उनके लिए आना था कोई पैसा और उनको पता भी नहीं है इस चीज के बारे में पैंडेमिक यानी कि कोविड नाइनटीन का भी काफी हद तक जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर इम्पैक्ट किया हुआ है एंड इन सारी चीजों की वजह से बच्चे जो हैं वो फिर से वापस नहीं जा पाए हैं कहा पर तो स्कूल में फिर से वो अपना एडमिशन जो है वो नहीं करा पाए हैं कम तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचर्स अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीचर्स की अगर हम बात करें तो अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें फोर्टी परसेंट यहाँ पर कौन है तो विमेन है रिफ्लेक्टिंग द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द रूरल बिहार ओवर हियर अपार्ट फ्रॉम दैट द टीचर्स मोस्टली बिलोंग टू दोशली डिस ठीक है ग्रुप्स यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो जनरली कहाँ से बिलोंग कहाँ से आ रहे हैं एस सी एस टी ओ बी सी एंड मुस्लिम्स मुस्लिम्स जो हैं इन में से ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो एक्चुअली आ रहे हैं इन सारी चीज़ों की वजह से इट रिड्यूसिंग द सोशल डिस्टेंस बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड डेमोक्रेटाइजिंग द स्कूल ऑल्सो इज बिंग एक्चुअली हैपनिंग ओवर ही सो यू कैन सी कि एस सी एस टी ओ बी सी एंड मुस्लिम्स जो हैं वो भी यहाँ पर टीचर्स के तौर पर आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में वो कम होती जा रही है वो दायरा क्योंकि जो डिफरेंसेज हैं ऑन द बेस ऑफ द कार्ट दैट इज so yeah, पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके की अटेंडेंस है जिस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से इनके बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स का प्रॉब्लम आ रहा है जिस तरीके से डीबीटी यानी कि डे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आ रही है तो इन सारी चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे And because of which the students will be going back to the tuition centers and they are joining also. द सर्वे अंडर स्कोर्स द कंसर्निंग स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार विद पुअर अटेंडेंस इन एडिकुएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देश ऑफ दर टी ई नॉर्म्सो मिड डे मील्स भी नहीं मिल रहे तो बच्चे जो खाना पीने के लिए जाया कर जाना था उनको तो वो खाने के बहाने ही जाते थे लेकिन अब तो है वो भी नहीं जा रहे हैं तो वो करप्शन भी चल रहा है ओवरदेयर एंड इट एम्फोसाइज इज द ग्रोइंग रिलायंस ऑन द प्राइवेट ट्यूशन स्कूल में टीचर नहीं आ रहे ढंग से पढ़ा नहीं रहे तो प्राइवेट ट्यूशन के लिए

टॉपिक दैट इज आस्क कर्नाटका टू रिलीज वाटर ड्यू टू ड्यू टू तमिलनाडु यानी कि जो तमिलनाडु में ड्यू है वाटर कावेरी का वाटर जो उनको देना है वो एक्चुअली रिलीज करें अब यहाँ पे कावेरी डिस्प्यूट के बारे में तो हम नहीं बात कर रहे हैं बट यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो कुरुवई कल्टीवेशन है इसके बारे में हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे ठीक है कि जिसके बेसिस को जिसको बेसिस बना करके ये कह रहे हैं कि पानी रिलीज करो ठीक है कुरुवई जो है ये एक तरीके से सीजनल कल्टीवेशन होता है किसका सीजनल कल्टीवेशन होता है तो ये पैडी का सीजनल कल्टीवेशन होता है पैडी बोले तो राइस तमिलनाडु में एंड ये कुरुवई सीजन में होता है कुरुवई सीजन क्या है तो ये तो जून जुलाई का जो सीज़न होता है ठीक है तो ये जो सीजन है इसको शॉर्ट टर्म और लेसर मॉनसून सीजन के तौर पे भी जाना जाता है एंड टेक्स प्लेस बिटवीन जून एंड सितंबर किसके बीच में इसको किया जाता है जून और सितंबर के बीच में जब व्हेन द साउथ वेस्ट मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू रीजन अब यहाँ पे क्या है मॉनसून इस तरीके से जाती है ठीक है फिर बाद में धीरे धीरे रिट्रीट करने लगती है तो रिट्रीट जब करती है तो वापस आते टाइम भी ये काफ़ी सारा बारिश करते हुए आती है तो वापस जाते टाइम में तमिलनाडु में ढेर सारा जो बारिश है वो करते हुए मानसून जो है वो वापस जाती है ठीक है तो वही चीज़ ये यहाँ पे बात बता रहा है कि जब रेनफॉल जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेट में उस टाइम पीरियड में हो रहा होता है तो तब दे आर दे एक्चुअली सो दिस थिंग ये कुरुवई कल्टिवेशन जो है ये तब करते हैं ओके कुरुई कल्टिवेशन इट एक्चुअली हैपन्स एंड इसको कह रहे हैं कि जो कावेरी जो ये डेल्टा है इसके आसपास वाले जो रीजन है वहाँ पे इसको किया जाता है तो क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस डेल्टा आर मोस्टली पैडी मोस्टली कौन सा चीज़ें ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर पैडी को ग्रो कर रहे हैं एंड द हेल्थ ऑफ दिज क्रॉप्स एंड इवेंचुअल लाइवलीहुड ऑफ दीज फार्मर्स आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन अबंड ऑफ वाटर ऑन दी कावेरी रिवर ओके सो दिस इज वॉट इज बींग से दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वॉटर ऑफ द कावेरी रिवर सो दिस इज द रीजन वाई दे आर से भाई हमको जो है कर्नाटका को बोल रहे हैं कि वॉटर रिलीज करो सो दैट वी कैन सो दैट आर फार्मर गुड सो दस नेक्स्ट इज दसमानस टाइगर रिजर्व सिक्सटी थ्री परसेंट शॉर्ट ऑफ सैक्शन स्टाफ एनवाइ मिनिस्टर टोल्ड दिस थिंग

Okay, तो यहां पर मानस टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? है। असम। असम अब ये awesome में है, इसका नाम माइनस मानस टाइगर रिजर्व क्यों पड़ा है क्योंकि ये मानस नदी जो मेनली यहाँ से फ्लो होकर के जाती है उसकी बेसिस पे जो है इसको मानस टाइगर रिजर्व नाम दिया है टाइगर रिजर्व बिकॉज द टाइगर्स

ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया ये प्रोजेक्ट टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आती है और इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट रिज़र्व जो है उसके अंतर्गत भी आती है और ये एक बायोस्फेयर रिज़र्व भी है तो इसी सब से आप समझ सकते हो कि मानस टाइगर रिज़र्व ये जो मानस नेशनल पार्क है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है ये असम में है एंड ये रॉयल नेशनल पार्क इन भूटान ये क्या है ये कंटिन्यूस मतलब जो भूटान में है उसी का ही कंटिन्यूसली यहाँ पर भी है मतलब उसी का ही है ये पूरा एक ही एरिया है तो कुछ एरिया भूटान का है और कुछ एरिया जो है वो इंडिया का है द नेम ऑफ द पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी मानस रिवर जो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है द पार्क इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है कौन है ये तो असम रूफ्ट टर्टल हिस्पिड हेयर की वजह से गोल्डन लंगूर पाइगमी हॉग इन सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत ही फेमस है इसके अलावा यहाँ पर जो है वाइल्ड वाटर बफलो भी मिलते हैं इस वजह से भी जो है ये बहुत फेमस है इसके अलावा रिवर रिवर कौन मानस रिवर ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये इसके बारे में जो है बताने की ज़रूरत नहीं है और मानस रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है नेक्स्ट है लोकसभा कंडक्ट्स द बिल कंडक्ट्स द बिजनेस इवन एज अपोजिशन कंटिन्यूज प्रोटेस्ट तो हमको नहीं इंटरेस्ट है इसके बारे में हमको किसके बारे में इंटरेस्ट है आईएएम बिल के बारे में तो हम जान चुके हैं यहाँ पे है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है इसको भी पास कर दिया गया है तो हम उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर ओके okay. तो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल जो है इसको लोकसभा में पास कर दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 ठीक है ये इसका जो है वो नाम है अब ये जो प्रपोज्ड बिल है मतलब प्रपोज्ड बिल ऑब्वियसली अभी तो लोकसभा में पास हुआ है ये बेसिकली इट एम्स टू ग्रांट डेजिग्नेटेड मिलिट्री कमांडर्स दिटी टू लीड एंड में सोल्जर्स तो इनको ये एक ऑथोरिटी दे रहा है किनको कमांडर्स जो है कि भाई जो आप डिसिप्लिन अपने जो सोल्जर्स हैं उनके अंतर्गत ये उनके अंदर ये लेकर के आओ डिस्पाइट वर्विस सर्विस ब्रांच दे आर इट एक्चुअली सीक्स टू आ रहे कमांडर इन चीफ जो है उनको एम्पावर कर रहा है ऑफिसर इन कमांड जो है उनको एम्पावर कर रहा है इन सारी चीजों को लेकिन कि किस चीज के लिए डिसिप्लिन को लेकर के डिसिप्लिनरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो इनको प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो ये जो इंटर ये जो आई बिल है ठीक है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल ये ऑब्वियसली बात है ये एक्ट बन जाएगा रूल बन जाएगा ठीक है बट इट नॉट प्रपोज एनी ऑल्ट्रेशन टू दिंग सर्विस एक्ट्स रूल्स और रेगुलेशन अभी अगर जो भी सर्विसेज एक्ट्स है जो भी रूल्स है रेगुलेशन है सर्विसेस से लेकर के तो उसको अमेंड नहीं कर रहा है बल्कि उनको एक तरीके से और पावर दे रहा है कि डिसिप्लिन स्टिल करो भाई अपने सोल्जर्स के अंतर्गत ओके okay. विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड अंडर गॉन द जुडिशियल स्क्रूटनी फॉर द डेक फरदर मोर द बिल इज एक्सपेक्टेड टू फॉस्ट ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस अमंग द्री सर्विसेज ऑल्सो बिकॉज दिस इज बिंग डन डिस्पाइट कि वो कौन से सर्विस ब्रांच में उससे मैटर नहीं करता है बट दे आर देयर इन ऑर्डर टू इंस्टिल द डिसिप्लिन इन देयर सोल्जर्स तो ये पावर किसको दे रहा है कमांडर इन चीफ एंड ऑफिसर इन कमांड को दे रहा है ठीक है है थ्री सर्विसेज जो इनके क्या होगा एक तरीके से यूनिटी की जो भावना है दैट विल ऑल्सो बी दैट विल ऑल्सो अप एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बिल है इट द बिल डिम्स एग्जिस्टिंग इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेश जैसे कि अंडमान एंड निकोबर कमांड डिफेंस स्पेस एजेंसी या फिर नैशनल डिफेंस अकेडमी जो है ऑल दीज कार कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बिल ये सभी जो है बिल के अंतर्गत इनको ले करके आ गया, गया है इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव द ऑथॉरिटी टू एस्टेब्लिश न्यू इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशट इंक्लूड द पर्सनल फ्रॉम एटलीस्ट टू ऑफ दी थ्री सर्विसेस इसमें ये काम करने के लिए एटलीस्ट दो जो तीन में से दो सर्विसेस को जो साथ में मिलकर काम करना होगा आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की बात यहां पर कर रहे हैं एंड देशन मे बी प्लेस्ड अंडरइजेशन कमांड एंड इंक्लूड सर्विस कमांडर इन चीफ तो यहाँ पे ऑफिसर इन कमांड ज्वाइंट सर्विसेज कमांड ये जो है इनको एस्टाब्लिश करने की बात कर रहा है और ये कमांडर इन चीफ के अंतर्गत रहेंगे उनके कमांड के अंदर दे विल बी वर्किंग एम्पावरिंग कमांड एंड कंट्रोल

Ensuring the discipline and proper discharge of the duties. If they find someone from, suppose, some uh, the commander in, uh, suppose, someone the authoritative person uh, is seeing someone from the navy is not uh, working properly and uh, the, the discipline is not being maintained over there. That then the that person that officer can actually take action against that personnel or the soldier. So commander in chief or officer in command, who has, satta action the central government will have superintendence over the inter-services organization and may issue directions in the interest of the national security general administration or that of the public interest as well over here okay? now the next topic is the house panel bats for lowering the minimum age इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द पोल पोल को कंटेस्ट करने के लिए जो है मिनिमम एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं लोकसभा और असेंबली में इन्होंने ये बात कही है कि भाई जो मिनिमम एज है अभी जो हम इसको 18 साल कर दे क्योंकि अगर हम वोटिंग करवा सकते हैं उनसे कि किसको वोट देना चाहिए तो देखें कंटेस्ट ऑल्सो तो ट्वेंटी से एटीन ईयर्स की बात यहाँ पर कर रहे सॉरी यहाँ पर जो एटीन ईयर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं द कमिटी बिलीव दैट द यंग इंडिविजुअल्स कैन बी रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टिसिपेंट्स बिकॉज इट इज क्वाइट ईजी

यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है इनका काउंटर आर्गूमेंट भी एक्चुअली आ रहा है इलेक्शन कमीशन इस चीज़ ये जो आइडिया है कि 18 साल के जो आ, लो, मतलब बच्चे बोली या फिर अडल्ट बोली ही एक्चुअली सो इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है दे डोंट हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस एंड उस टाइप की मेचोरिटी भी नहीं होती है कि ये पार्लियामेंट्री या फिर जो स्टेट लेजिस्टिव पोजिशंस है उ, उन सारी चीज़ों को ये हैंडल कर पाए तो दिस इज क्वाइट गुड एक्चुअली ये जो आर्ग्यूमेंट दी है वो बहुत सही भी है 25 साल के जो हैं वो अभी जो आप 25 साल की एज में यू कैन कंटेस्ट फॉर दी लोकसभा ठीक है तो अब 25 फाइव ईयर्स में आप जो इलेक्शन है उसको फाइट कर रहे हो तो एटलीस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई मीन लाइफ एक्सपीरियंस से आपको एक्सपोजर मिल जाता है लॉट ऑफ थिंग्स कॉलेज गए हैं बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया बहुत सारी चीजों को देखा तो थोड़ी बहुत जो मेचोरिटी है वो जरूर बिल्डअप हो जाती है लेकिन एटीन ईयर्स से उतनी मेचोरिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो अभी मिनिमम एज है लोकसभा असेंबली को कंटेस्ट करने के लिए दैट इज द ट्वेंटी फाइव एंड राज्यसभा के लिए वो थर्टी ईयर्स है क्योंकि उस हिसाब से जो मेचोरिटी भी जो है वो आ जाती है सो दे आर से वोटिंग इज अ डिफरेंट थिंग बट वेन इट कम्स टू हैंडलिंग दोन व वर्क सो दॉट एक्चुअली फॉर द एटीन ईयर्स ओल्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया इन सभी में यहाँ सभी में जो है मिनिमम एज 18 है फॉर इन ऑर्डर टू कंटेस्ट दीज एग्जाम्पल्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट द यंग इंडिविजुअल्स कैन बी रिलायल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल they can actually handle the pressure and all but election commission is saying that no 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 नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द रशियन वॉरशिप विच बीन डैमेज्ड बाय द यूक्रेन ड्रोन तो यूक्रेन ने अटैक किया है ब्लैक सी में एक पोर्ट है इनका दैट इज दोवो रो सिस्क ये जो पोर्ट है इसको अटैक किया गया है ठीक है अब ये जो पोर्ट है दिस इज द पोर्ट राइट इसी के यहाँ पर जो इसी के पास जो है वो वॉरशिप थी जिसके ऊपर अटैक किया गया है

तो ओपन हाइमर में मैंने आपको बताया ही था कि कब अटैक हुआ था तो अगस्त सिक्स 1945 को एनोला दिस एनोला गे इसने ड्रॉप किया था यूरेनियम बॉम्ब कहाँ पे हिरोशिमा में जिसकी वजह से इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड लॉट मेनी पीपल डाइड कंप्लीट सिटी वाज़ डिस्ट्रॉयड एवरी बिलो बिलो वर देयर everyone died and many of them uh, are suffering even now so only the skeletal structure of the hiroshima prefectural industrial promotion hall that was standing because it was made up of the cement कम्प्लीटली तो उस वजह से वो फिर भी बच गया किसी तरीके से लेकिन बाकी सारी चीजें जो थी वो सभी की सभी डिस्ट्रॉय हो गई एंड इस वजह से ये जो वर्ल्ड का परसेप्शन था वेपन और वॉर को लेकर के वो कम्पलीटली चेंज हो गया उस टाइम पीरियड से कि किस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन है द न्यूक्लियर वेपन हाउ इट कैन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट सिटी को एकदम वैनिश कर देगा विदिन सेकेंड्स विद इन अ मिनट न्यूक्लियर डेटरेंस एन दैट ऑफ द टैबू 78 years down the line the concept of nuclear deterrence attracted attention and a taboo against using nuclear weapons began to develop obviously, and this is the reason why the julius robert oppenheimer when it was the time in order to develop the another bomb that is the hydrogen bomb he back out that no earlier आई आई थॉट कि मेरी ड्यूटी है इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स माई कंट्री सो हिट डेट दैट ओके बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया सो ही बैकआउट राइट तो न्यूक्लियर वेपन्स so, okay? so, right? so, को जो एक है कि भाई उसको Uh, उसको यूज़ करने से लेकर के एक जो टैबू डेवलप हो रखी है तो उस चीज़ को एक अटेंशन मिला इस सारी चीज़ों को लेकर के एंड टैबू वॉज अटैच्ड नाउ इन ऑर्डर टू बाई फॉर यूजिंग रिलेटेड टू दिस न्यूक्लियर वेपन्स द न्यूक्लियर टैबू इज़ अ नॉम अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड दैट इज़ सपोज वी वी आर सपोज टू एक्चुअली अवॉइड कि हमको एक ये तरीके से बता रहे हैं कि भैया एक टैबू अब हो गया है इसको नहीं यूज़ करना है ड्यू टू टूर डेवस्टेटिंग कि किस तरीके से इसका डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है इन द एग्जाम्पल इज द हिरोशिमा ओवर देयर एंड इस तरीके से जो है ये जो आइडिया है ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स मोरालिटी प्रोपोशनलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे जो है इसको कंप्लीटली जो है मनाही करने पे रहते हैं पीपल एक्चुअली डिटो इन यूजिंग दिस थिंग नहीं तो आपको क्या लगता है रशिया अभी तक यूज नहीं कर सकता था यूज कर सकता था बटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की वजह से दे आर नॉट डूइंग दैट स्पेशल स्टेटस ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें तो ये इनको एब्सोल्यूट वेपन मतलब एक बार गिरा दिया तो सारा का सारा यूक्रेन साफ हो जाएगा ठीक है तो उसको जो है एप्सल्यूट वेपन के तौर पे देखा जाता है इज कैन बी फॉर द इमीडिएट डिस्ट्रक्शन एंड इज नॉट राइट ऑल उसके इफेक्ट्स जो है वो इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं द टैबू इज ग्राउंडेड इन द इनडिसक्रिमिनेट नेचर ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड दे लास्टिंग एनवायरमेंटल कंटामिनेशन विच वी कैन सी ओवर देयर ऑन दीज पीपल द हिरोशिमा नागासाकी पीपल हम देख सकते हैं उनको रेडियो एक्टिव Uh, जो रेज मतलब जो वो उसके जो इम्पैक्ट हैं वो आज भी जनरेशन बाय जनरेशन देखने को मिलते हैं अभी भी देखने को मिलता है वो इम्पैक्ट तो वो जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होता है जनरेशनल इम्पैक्ट होता है रिलेटेड टू द रेडिएशन ऑल दो कैन बी सीन एक्चुअली सो दिस इज द रीज़न जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो थोड़े स्पेशल भी हैं स्पेशली खराब भी हैं

रिस्पॉन्सेज ऑफिशियल रिस्पांस है नेटो की तरफ से और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि भई न्यूक्लियर वेपन का किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए एंड विदाउट ए दी स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिटालिएशन द यू एस एंड चाइना वो भी इस चीज़ को एकदम कंप्लीटली कहती है कि भाई इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करो इसको यूज़ मत करो अपोज द यूज़ और द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट भी मत दो एंड साथ में साथ इसको यूज़ भी नहीं करना है तो न्यूक्लियर क्राइसिस पासिस है बट कंसर्न्स रिमेन ड्यू

so we are supposed to avoid it at any cost so nuclear is a taboo okay so this is the thing these are the news related to today's daily news analysis i hope you people really enjoyed it liked it see you in the next video bye bye take care and have a great time good night